हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो है वो बहुत इंटरेस्टिंग, मैं अपनी स्टोरी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, और जो जो लोग भी दुबई में रहते हैं, यूएई में रहते हैं, तो उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। आज की जो स्टोरी है वो मेरे से रिलेटेड है। मैं अपनी स्टोरी बताऊंगा कि कैसे मैंने 10 दिन में, मुझे कैसे 5,000 दिरहम्स का फ्रॉड किया गया दुबई में। ये मैं स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग और हैं जो कि दुबई में हैं और मेरी स्टोरी को देख के वो इससे लेसन लें और उनको नुकसान ना हो। तो दोस्तों, स्टोरी ये है कि मेरा ताल्लुक है ई कॉमर्स इंडस्ट्री के साथ। तो जब आप बाइंग सेलिंग करते हैं ऑनलाइन, तो आपको एक अदद कोरियर की भी ज़रूरत होती है। तो कोरियर की ज़रूरत मुझे भी थी और मैं एक कोरियर के साथ बहुत टाइम से काम कर रहा था। अंदाजन मेरे ख्याल से 5 से 6 साल से मैंने उनके साथ काम किया। उस कोरियर का नाम भी मैं अभी बताऊंगा आपको वीडियो में, लेकिन कहने का मकसद ये है कि जो मेरे साथ हुआ, मैं नहीं चाहता कि वो किसी के साथ भी हो। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, और उम्मीद है कि आपको इससे फ़ायदा होगा। अच्छा जी, स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। स्टोरी ये थी कि जी जब आप ई कॉमर्स में काम कर रहे हो, तो ऑनलाइन ऑर्डर्स जब आप भेजते हो अपने, तो जो COD मनी होती है वो रहती है कोरियर के पास। तो कोरियर के पास जब आपकी अमाउंट रहती है, तो वो एक रिस्क होता है। लेकिन चूंकि मेरा उनके साथ ताल्लुक ये था, काफ़ी टाइम से मेरा उनके साथ ताल्लुक था, मैं बहुत टाइम से उनके साथ काम कर रहा था, तो मैंने इस चीज़ का ख्याल नहीं किया। उनके पास मेरे पैसे पड़े होते थे और मैं उनको रिक्वेस्ट नहीं करता था कि भाई भेजें, वो खुद ही अपना जो साइकिल होता है उसमें वो लोग जब मेरा नंबर आता था तो वो मुझे सेंड कर देते थे। तो दोस्तों, क्या हुआ कि मेरी कुछ अमाउंट अराउंड अप्रोक्सीमेटली 5,000 दिरहम्स उनके पास कलेक्ट हो गई, जो कि COD मनीज, जो कि जो भी मैंने सामान भेजा उसके अगेंस्ट में उन्होंने कलेक्ट की मेरे बिहाफ पे। अब वो अमाउंट उनके पास पड़ी हुई थी, मैंने उनसे ज़्यादा कांटेक्ट नहीं किया क्योंकि मुझे पता था वो लोग ऑटोमेटिकली भेज देते हैं, या अगर डिले हो जाए तो आप उसके बंदे को कौन बोलो तो वो जल्दी भेज देता है। दोस्तों, ऐसा हुआ कि बहुत टाइम से मुझे पेमेंट नहीं मिली, तो मैंने क्या किया, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने बोला फ़ोन करके देखता हूँ, उनको बोलता हूँ भाई पेमेंट सेंड करें। जब फ़ोन किया तो उनके सारे नंबर्स बंद आ रहे थे, सारे एम्प्लॉयज़ के नंबर बंद आ रहे थे, सब उनका ऑफ आ रहा था, और मेरे अमाउंट जो थी 5,000 दिरहम्स, उसका मुझे अब ख़तरा नज़र आने लगा कि भाई ये कंपनी कहीं भाग तो नहीं गई। और जब मैंने इस पर इन्वेस्टिगेशन की, तो ऐसा ही हुआ कि वो कंपनी सबके पैसे लेके, COD मनी, जितने भी सप्लायर्स वेंडर्स थे जिन्होंने उनके पास अकाउंट खोला हुआ था और वो उनके थ्रू अपने आइटम्स भेजते थे, उनके सबके पैसे वो लोग खा के भाग गए। मैंने इस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की, मैंने बोला कि जी हम अगर मेरे साथ अगर कोई और लोग मिल जाएं जिनके पैसे गए हैं, तो हम लोग मिलके पुलिस में कंप्लेंट करते हैं और इस पर एक्शन लिया जाएगा। लेकिन आपको मैं बताऊं कि मेरी जब एक बंदे से बात हुई, तो उसने बोला कि जी उनका सारा ऑफिस सील कर दिया गया है, उनकी सारी गाड़ियां जो हैं वो कब्ज़े में ले ली गई हैं पुलिस ने, और वो लोग मुल्क छोड़ के भाग गए हैं। बहुत अफसोसनाक वाक़या था, और 5,000 दिरहम्स छोटी अमाउंट नहीं है, इट्स अ गुड अमाउंट, लेकिन मुझसे जो ज़्यादा लोग थे, मुझसे बड़ी बड़ी अमाउंट उनकी फंस गई, किसी के 40,000, किसी के 30,000। तो जी, इससे हमें लेसन लेना चाहिए कि भाई जो भी लोग ई कॉमर्स में काम कर रहे हैं, उनको ज़ाहरी बात है उनको कोरियर सर्विस की रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप में से जो जो लोग ई कॉमर्स का काम कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई जब भी आप कोरियर को फाइंड करें, तो उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर लें, उसकी रेपुटेशन चेक कर लें, उसके रिव्यूज़ ले लें। कुछ कंपनीज होती हैं वो बहुत कम प्राइस आपको देती हैं, तो आप उन पर अट्रैक्ट हो जाते हो कि जी आप उनसे काम शुरू कर देते हो। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिए, जब भी आप उनसे काम करें, किसी से भी काम करें, उनसे वीकली पेमेंट्स लें, अगर एक दिन भी पेमेंट डिले हो, तो आप उनको कॉल करके पूछें कि जी क्या मसला है, क्यों नहीं आपने मेरी पेमेंट भेजी। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, मैं ये बताना चाह रहा था आप लोगों को, क्योंकि देखें किसी का भी नुकसान हो अच्छी बात नहीं है। आपको वीकली पेमेंट्स लेनी है,
कंपनी के बारे में रिसर्च करनी है तब जाके उनको काम देना है। और तीसरी चीज़ ये कि उनके जो मैनेजमेंट है उनके सारी मैनेजमेंट का आपके पास नंबर्स होने चाहिए ताकि अगर जैसे ही कोई पेमेंट डिले हो आप उनको कांटेक्ट करें और स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट कंप्लेन करेंगे भाई ये चीज़ नेक्स्ट टाइम ना हो। तो अभी तक के लिए इतना ही था भाई, ये मेरी थी स्टोरी, मैंने बोला शेयर करो अपनी ऑडियंस के साथ ताकि आप लोगों का नुकसान ना हो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच।